खोल और फल सब हो गया। ओम नमः शिवाय। अरे बिटिया, सवेरे सवेरे नहा धो करके कहाँ जाता हूँ? दादी, आज सावन का पहला सोमवार है, तो मैं भोलेनाथ के मंदिर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा। आप नहीं चलेंगी दादी? नहीं, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान कहाँ रह गई है जो उतना दूर जा सके। एक काम करो, तुम जाओ और हाँ, हमारे भी नाव का पूजा कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ पूजा करने। हे राम, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। सुबह से ये टाइम हो गई है लेकिन अभी तक ये लड़की एक कप चाय बना करके नहीं पिलाई। ओम नमः शिवाय। अरे ओ महारानी, कहाँ सुबह सुबह इतना मन ठन के जा रही हो? हाँ चाची, वो क्या है ना कि आज सावन का पहला सोमवार है, तो मैं भोलेनाथ के मंदिर जा रही हूँ। पैदा होते तो माँ बाप को खा गए और अब चली है मंदिर। हाँ, काम कौन करेगा? हाँ माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। पिंकी बेटा सुनो, ये लो पैसे, पैदल मत जाना, और हाँ कुछ खा लेना। लो। ठीक है माँ। और तू खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? जाओ जाके सारे बर्तन धुलो। चाची, बर्तन तो मैंने पहले ही धो दिए। कपड़े भी है मेरे बहुत सारे, उसे जाके धुल, जा। ठीक है चाची, मंदिर जाएंगी। महादेव, आपके मंदिर आने का मेरा बहुत मन था, लेकिन चाची मुझे काम करने के लिए बोल दे। प्लीज बाबा, मुझे अपने पास बुला लो ना। अरे बिटिया, मंदिर से तुम बड़े जल्दी वापस आ गई? नहीं दादी, घर का काम करना था ना, इसलिए चाची नहीं जाने दी। दादी, आज सावन के पहले सोमवार को ही मैं अपने बाबा की पूजा नहीं कर पाई। बस इतने सी बात के लिए तुम मायूस हो गई? अरे भोलेनाथ की पूजा तो घर पे भी कर सकते हैं। हाँ वो कैसे दादी, जल्दी बताओ ना। अरे पगली, मैंने तुमको बैजू चरवाहे की कहानी सुनाई थी ना? हाँ दादी, मुझको याद है कि कैसे डंडे खा करके भी मेरे भोलेनाथ खुश हो गए थे। तो बस तुम भी थोड़ा सा मिट्टी लो, शिवलिंग बनाओ और घर पर ही पूजा कर लो। सच में दादी? हाँ सच में। अब तुम जाओ जल्दी से मिट्टी लेकर के आओ, शिवलिंग मैं बना देती हूँ, तुम जाओ पूजा की थाली तैयार करो। जाओ, मैं अभी लेकर के आती हूँ। बाबा तुम मेरा भगवान। लो देखो बिटिया, बन गए ना तुम्हारे भोलेनाथ। हाँ दादी, ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ पूजा करो। हे भोलेनाथ, ये बिन माँ बाप की बच्ची है, इसका हमेशा रक्षा करना। वसुंधरा। अरे ललिता, बड़े दिनों के बाद आज मेरी याद आई। आओ बैठो। हिमाक्षी, हिमाक्षी। जी चाची जी। कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ लगी थी? चाची, वो मैं भोलेनाथ की कथा सुन रही थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया। जितना तुम्हारा इन सब चीजों में मन लगता है ना, उतना घर के कामों में नहीं। जाओ तो कप चाय बना के लाओ। जी अभी लेके आती हूँ। वसुंधरा, काश तुम्हारे जैसी मेरी भी किस्मत होती। अरे तुमको तो बैठे बिठाई एक नौकरानी मिल गई है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, जितना मैं उस पे खर्च करती हूँ ना, उतने में दो तीन नौकरानी रख लेती। अरे तीन टाइम का खाना देती हूँ, पहनने के लिए कपड़े देती हूँ, रहने के लिए छत देती हूँ, काफी नहीं है? वसुंधरा, क्या कह रही थी तुम? तुम उस पर खर्च करती हो, वो तो पता ही है कि तुम कितना खर्च करती हो। एक बात मत भूलना, जितना तुम्हारा इस घर पे अधिकार है, उतना उसका अकेले का अधिकार है। और तुम रे ललिता, क्या कह रही थी मेरे पोती को? मेरी पोती तुझको नौकरानी लगती है? तुझको नौकरानी चाहिए? रुको, मैं अभी तुमको बताती हूँ। वसुंधरा, अब मैं अपने घर चलती हूँ, ठीक है? हे भोलेनाथ, काश उस दिन इस दुनिया से मुझे भी उठा लिए होते, तो इन लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते ना मुझे। बिटिया, इस तरह से रोते नहीं है, भोलेनाथ पे भरोसा रखो बिटिया, एक दिन वो सब ठीक कर देंगे। हाँ दादी, मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा कोई नहीं है।